अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल अरबी का छोटा छोटा अरबी वर्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोलते हैं, सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोलते हैं। शाही को अरबी में शाह बोलते हैं, शाही को अरबी में शाह बोलते हैं। घड़ी को अरबी में शाह बोलते हैं, घड़ी यानी टाइम को अरबी में शाह बोलते हैं। घंटा को अरबी में भी शाह बोलते हैं, घंटा को अरबी में शाह बोलते हैं। और को अरबी में बाद बोलते हैं, और को अरबी में बाद बोलते हैं। छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। सबसे छोटा को अरबी में असगर बोलते हैं, मोटे को अरबी में दुब्बा बोलते हैं, मोटे को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। पतला को अरबी में दईफ बोलते हैं, पतला को अरबी में दईफ बोलते हैं, पतला को अरबी में दईफ बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा बोलते हैं, सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं। टेढ़ा को अरबी में युतवा बोलते हैं, टेढ़ा को अरबी में युतवा बोलते हैं। इधर उधर को अरबी में यमीन यसार बोलते हैं, इधर उधर को यमीन यसार बोलते हैं। खेत को अरबी में बोलते हैं मजरा, खेत को अरबी में बोलते हैं मजरा। फेमस को अरबी में मशहूर बोलते हैं, फेमस को अरबी में मशहूर बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। वही दोस्तों, जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलते हैं। पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं, पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। पहले से को अरबी में मीन गब्बल बोलते हैं, पहले से को अरबी में मीन गब्बल बोलते हैं। ठीक करना को अरबी में यशल्लाह बोलते हैं, ठीक करना को अरबी में यशल्लाह बोलते हैं। झंडा को अरबी में आलम बोलते हैं, झंडा को अरबी में आलम बोलते हैं। फूल को अरबी में मतरूस बोलते हैं, फूल को अरबी में मतरूस बोलते हैं। फूल को अरबी में जहरा भी बोलते हैं, फूल को अरबी में जहरा भी बोलते हैं। थोड़ा को अरबी में कलील बोलते हैं, थोड़ा को अरबी में कलील या सोया बोलते हैं, थोड़ा को अरबी में कलील या सोया बोलते हैं। भरना को अरबी में अब भी बोलते हैं, भरना को अरबी में अब भी बोलते हैं, भरना को अरबी में ए भी या अब भी बोलते हैं। खोजना यानी किसी चीज को खोजना या किसी चीज को ढूंढना, उसे अरबी में बोलते हैं दौर। खोजना या ढूंढना को अरबी में दौर बोलते हैं। सुनना को अरबी में एस्मा बोलते हैं, सुनना को अरबी में एस्मा बोलते हैं। समझना को अरबी में फहम बोलते हैं, समझना को अरबी में फहम बोलते हैं। पुल को अरबी में कुबरी बोलते हैं, पुल को अरबी में कुबरी बोलते हैं। कंट्रोल को अरबी में यतहक्कम बोलते हैं, कंट्रोल को अरबी में यतहक्कम बोलते हैं। कंट्रोल करना यानी अरबी में यतहक्कम। संभाल के, उसे अरबी में बोलते हैं दिर बालक। संभाल के यानी देखभाल करके, उसे अरबी में बोलते हैं दिर बालक। संभाल के को अरबी में दिर बालक बोलते हैं। कठिन को अरबी में सऊब बोलते हैं, कठिन को अरबी में सऊब बोलते हैं। सरल को अरबी में सहल बोलते हैं, सरल को अरबी में सहल बोलते हैं। सरल को अरबी में सहज भी बोलते हैं। तुम कौन हो, उसे अरबी में बोलते हैं मन अंता। तुम कौन हो, उसे अरबी में बोलते हैं मीन अंता। तुम्हारा नाम क्या है, उसे अरबी में बोलते हैं सिस्मक। तुम्हारा नाम क्या है, उसे अरबी में बोलते हैं सिस्मक। क्या नाम है, उसे अरबी में सुनो इस्मा बोलते हैं इस्मा। क्या नाम है, उसे अरबी में सुनो इस्मा बोलते हैं। इधर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं ताल हीना, ताल हीना। इधर आओ, ताल का मतलब होता है आना, हीना का मतलब होता है इधर। उधर जाओ, उसे अरबी में बोलते हैं रो हुनाक। रो का मतलब होता है जाना, उधर का मतलब होता है हुनाक। रो हुनाक, उधर जाओ। कहाँ से आए हो, उसे अरबी में बोलते हैं मीन वेन इजी, मीन वेन इजी। कहाँ से आए हो, मीन वेन इजी। घर कहाँ है, उसको अरबी में बोलते हैं वेन बेत। वेन का मतलब होता है कहाँ, बेत का मतलब होता है घर। घर कहाँ है, वेन बेत। कौन सा देश है, उसे अरबी में बोलते हैं वेन जिंसिया या वेन बलद। कौन सा देश है, उसे अरबी में बोलते हैं वेन जिंसिया या वेन बलद। रहने की जगह को अरबी में बोलते हैं वेन सक्कन, वेन सक्कन। रहने की जगह को अरबी में बोलते हैं वेन सक्कन। मेरे पास बैठो, उसे अरबी में बोलते हैं इजलिस अंदी, इजलिस अंदी। मेरे पास बैठो, उसे अरबी में बोलते हैं इजलिस अंदी। अंदी का मतलब होता है मेरे पास, इजलिस का मतलब होता है बैठना। किधर जा रहे हो, उसे अरबी में बोलते हैं वेन रो। किधर जा रहे हो, उसे अरबी में बोलते हैं वेन रो। नहीं जाना, उसे अरबी में बोलते हैं लात रो। नहीं जाना, उसे अरबी में बोलते हैं लात रो। इसे घुमाओ, उसे अरबी में बोलते हैं हादा लिफी। इसे घुमाओ, उसे अरबी में बोलते हैं हादा लिफी, हादा लिफी। इसे घुमाओ, हादा का मतलब होता है इसे। घुमाना को अरबी में बोलते हैं लिफी। इसे पलटो, उसे अरबी में बोलते हैं हादा लिफी, लिफ
लिफी, इसे पलटो, हाद लिफी, तुम नाश्ता कर लिए, उसे अरबी में बोलते इंत फतूर खलास, तुम नाश्ता कर लिए। इंत का मतलब होता है तुम, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है कर लिए, तुम नाश्ता कर लिए। इंत फतूर खलास, दोपहर का खाना को अरबी में गदा बोलते हैं, दोपहर का खाना को अरबी में गदा बोलते हैं। रात के खाना को अरबी में आशा बोलते हैं, रात के खाना को अरबी में आशा बोलते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह नोम, मैं सोने जा रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना, नोम का मतलब होता है सोना। मैं सोने जा रहा हूँ, अना रोह नोम, मैं काम पर जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह सुगुल, मैं काम पर जा रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना, सुगुल का मतलब होता है काम, मैं काम पर जा रहा हूँ। अना रोह सुगुल, तुम जानते हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत मालूम, इंत का मतलब होता है तुम, मालूम का मतलब होता है जानते हो। तुम जानते हो इंत मालूम, तुम पढ़ना जानते हो इंत अर्फ इकरा, तुम पढ़ना जानते हो इंत अर्फ, अर्फ का मतलब होता है जानना, इकरा का मतलब होता है पढ़ना। तुम लिखो, उसे अरबी में बोलते अंत सज्जिल, तुम लिखो, अंत सज्जिल, तुम लिखो। तुम क्या काम करते हो, उसे अरबी में बोलते इंत एस सुगुल, तुम क्या काम करते हो। इंत का मतलब होता है तुम, एस का मतलब होता है क्या, सुगुल का मतलब होता है काम। तुम क्या काम करते हो, इंत एस सुगुल, कितने साल से यहाँ हो, उसे अरबी में बोलते कम सना हिना, कितने साल से यहाँ हो, मैं नया आया हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना इजी जदीद, या बोल सकते हैं अना जदीद। इंडिया में क्या करते थे, उसे अरबी में बोलते हैं एस सवी इंडिया। इंडिया में क्या करते थे, एस सवी इंडिया। तुम्हें अरबी मालूम है, इंत अर्फ अरबी, ये आप दो जोड़कर बना सकते हो, इंत मालूम अरबी। क्या तुम अरबी बोल सकते हो, उसे अरबी में बोलते हैं मुमकिन इकदर कल्लम अरबी। क्या तुम अरबी बोल सकते हो, मुमकिन इकदर कल्लम अरबी। आप अच्छे आदमी हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत नफर कोइस। आप अच्छे आदमी हो, इंत का मतलब होता है आप, नफर का मतलब होता है आदमी, कोइस का मतलब होता है अच्छा। आप अच्छे आदमी हो, इंत नफर कोइस। आप अच्छा काम करते हो, उसे अरबी में बोलते इंत सुगुल कोइस। इंत का मतलब होता है आप, सुगुल का मतलब होता है काम, कोइस का मतलब होता है अच्छा। आप अच्छा काम करते हो, इंत सुगुल कोइस। आप अच्छे काम करते हो, गुस्सा क्यों करते हो, उसे अरबी में बोलते हैं ले सवी जालान। गुस्सा क्यों करते हो, लेस का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है करना, जालान का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा क्यों करते हो, ले सवी जालान। ज्यादा ना बोलो, उसे अरबी में बोलते हैं ला कल्लम कतीर। ज्यादा ना बोलो को अरबी में बोलते हैं ला कल्लम कतीर। ज्यादा ना बोलो, हमारी गलती नहीं है, उसे अरबी में बोलते हैं अना मुँह गलतान। अना का मतलब होता है हमारा या हमारी, मुँह का मतलब होता है नहीं, गलतान का मतलब होता है गलती। अना मुँह गलतान, हमारी गलती नहीं है, अना मुँह गलतान। यह अच्छा है, उसे अरबी में बोलते हैं हादा तमाम। यह अच्छा है, या बोल सकते हैं हादा कोइस, या बोल सकते हैं हादा जैन। यह अच्छा है, हादा जैन। इसके जैसा करो, उसे अरबी में बोलते हैं सवी नफसिक। इसके जैसा करो, क्या मैं कर लूँ, उसे अरबी में बोलते हैं मुमकिन अना सवी। क्या मैं क्या करूं, उसे अरबी में बोलते हैं मुमकिन अना सवी अलातुल। क्या मैं किया करूं, तुम करो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत सवी तुम करो। तुम कार में बैठो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत इजलिस सयारा। तुम कार में बैठो। तुम रात में आना, उसे अरबी में बोलते हैं इंत ताल बिल्लेल। तुम रात में आना, इंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आना, बिल्लेल का मतलब होता है रात। अंदर करो, उसे अरबी में बोलते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में जुआ भी बोलते हैं।
अंदर को अरबी में जुआ भी बोलते हैं। मजाक मत करो, उसे अरबी में बोलते हैं लाए सवी मस्करा, या आप बोल सकते हैं माफी सवी मस्करा। मजाक मत करो, माफी सवी मस्करा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मासलामा। Thank you.